प्रदेश की सरपट सड़कों पर अंधगति से दौड़ते वाहन लोगों की जान के दुश्मन बनते जा रहे हैं। वहीं जिम्मेदार विभाग तेज रफ्तार वाहनों पर कार्रवाई करने के बजाय हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है। एक बार फिर रायसेन जिले के उबैदुल्लागंज में भीषण सड़क हादसा सामने आया, जहां मिनी बस और बोलेरो की भिड़ंत हो जाने से करीब 2 दर्जन लोग घायल हो गए। प्रदेश में नहीं थम रहा सड़क हादसों का सिलसिला। तेज रफ्तार मिनी बस और बोलेरो की भीषण भिड़ंत, सरकारी अस्पताल की लापरवाही भी आई सामने। सड़क हादसे के घायलों को नहीं मिला समय पर इलाज। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला रायसेन जिले के उबैदुल्लागंज का है, जहां भोपाल जा रही मिनी बस नेशनल हाईवे 12 पर ग्राम नानकहेड़ी के पास ओवरटेक करने के चक्कर में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे मिनी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों की चीख पुकार मच गई। वहीं मौके पर मौजूद ग्रामीण लोगों ने बस में फंसे यात्रियों को मशक्कत के बाद बाहर निकालकर उपचार के लिए रवाना किया। ये जंगल है क्या? कितने लोग घायल है? पूरी बस पर लट गई तो पूरे लोग घायल। कहाँ पे हुई हादसा? नानकहेड़ी जोन पर। आप कहाँ जा रहे थे? भीषण सड़क हादसे में करीब 2 दर्जन यात्रियों को चोट आई, जिनमें 22 यात्री गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद घायलों को उबैदुल्लागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहाँ उस समय अस्पताल में एक ही डॉक्टर मौजूद था, जिसके चलते घायल जमीन पर पड़े पड़े दर्द से कराहते हुए नजर आए। वहीं गंभीर घायलों को उपचार के लिए राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल रेफर किया गया। उसमें कितने लोग घायल हुए? लगभग 30 लोग घायल हुए। कितने लोगों को रेफर किया है भोपाल? करीब करीब 12 लोगों को रेफर किया है। तो ज्यादा सीरियस इंजरी थी क्या उन लोगों? ज्यादा सीरियस सिर में चोट थी, इसलिए उसमें जो जांच होनी चाहिए सीटी स्कैन वगैरह होना चाहिए, ठीक है। और सर्जिकल स्पेशलिस्ट और हेड इंजरी के जो स्पेशलिस्ट हैं, स्पेशलाइज लोग, वो उसको देख सकें, इसलिए रेफर किया है। और दूसरा यह कि कुछ लोगों के फ्रैक्चर की संभावना थी, तो उसको आर्थोपेडिक सर्जन यहाँ पर नहीं है, हड्डी वाला रोग विशेषज्ञ, इसलिए हम उसका एक्सरे करवा भी दें, उसमें हड्डी देख भी लें, तो अल्टीमेट जो ट्रीटमेंट है वो तो यहाँ नहीं हो सकता। सर, स्टाफ की भी कमी देखी गई यहाँ पे? स्टाफ में डॉक्टरों के जो है यहाँ पर पद जो है 3 पद रिक्त हैं, और स्पेशलिस्ट का एक भी नहीं है यहाँ पर, स्पेशलिस्ट के पद सभी रिक्त हैं। कितने पद हैं स्पेशलिस्ट के यहाँ पर? स्पेशलिस्ट के यहाँ 4 पद हैं, और 4 मेडिकल ऑफिसर के, उसमें से 1 पद रिक्त है, और 3 स्पेशलिस्ट के पद रिक्त। बार बार अवगत कराया जाता है, हर मीटिंग में अवगत कराया जाता है, और हम ऊपर लिखकर भी भेजते हैं, और जनप्रतिनिधियों को बताते हैं, अधिकारियों को बताते हैं, लेकिन फिर जैसा भी हुआ। यहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था में कमी देखी गई है? बड़ी एम्बुलेंस नहीं है यहाँ पर, छोटी एम्बुलेंस है और बड़ी एम्बुलेंस खराब हो गई, जिससे छोटी एम्बुलेंस, लेकिन यहाँ बड़ी एम्बुलेंस होना चाहिए, सर्व सुविधा युक्त, क्योंकि 2 हाईवे हैं यहाँ पर, और पूरा लोड जो है वो उबैदुल्लागंज पर है, तो होना चाहिए। वहीं इस दुर्घटना के बाद क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र पटवा ने तत्काल संज्ञान लेते हुए SDM और कलेक्टर को फोन किया और तत्काल डॉक्टरों को अस्पताल पहुंचने को कहा, लेकिन एक बार फिर परिवहन विभाग सहित शासकीय अस्पताल में पसरी लापरवाही भी सामने आई। व्यवस्था है उस हिसाब से इलाज कार्रवाई की है, थोड़ा जो जो जिनको थोड़ा ज्यादा चोट लगी थी, हेड इंजरी वगैरह बता रहे थे, सारी चोट थी, तो उसमें एहतियातन उनको, उनके परिवारजन को रिफर कर दिया है भोपाल के। सर, यहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं है, कई सालों से मांग हो रही है कि ट्रामा सेंटर खोला जाए, और बहुत सारी मशीनरी यहाँ पे नहीं है, और एक्सरे मशीन है वो पिछले 63 सालों से चल रही है यहाँ पे, तो इस तरह की व्यवस्थाएं सरकार से क्यों नहीं हो पा रही है? अब व्यवस्था कराने के हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों को संज्ञान में मामला लाएंगे, यहाँ व्यवस्था उचित की जाए, क्योंकि ये हाईवे पे है अब्दुल्लागंज यहाँ पर। सर, कितने लोग घायल हुए होंगे? 30 लोग, हमको जो जानकारी 30 लोग। और रेफर कितने को किया गया है? 30 में से करीब 10 से 15 लोग गए हैं। आइए आपको सुनाते हैं इस घटना को लेकर क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र पटवा का क्या कहना रहा।
सर, जो अभी दुर्घटना हुई है, जो सड़क दुर्घटना, इसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? किस तरह का घटनाक्रम था? आप मौके पर मौजूद भी रहे और आपने प्रशासन को तुरंत अवगत भी कराया इससे पूरा, तो इस घटना को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे फिलहाल? जो आज हॉस्पिटल में जो हुई है उसी की बोल रहे हैं? जी जी जी, जो बसों की भिड़ंत हुई है, बोलेरो और बस की। जी, दुखद घटना है, एक्सीडेंट हुआ है। जी जी, मैं बाहर हूँ प्रवास पे। जी, और लगातार मेरी कलेक्टर महोदय से बात हो रही है। जी जी, लेकिन ऐसा लगता है कि ना बीएमओ और ना एसडीएम वहाँ पे पहुँचे एक डेढ़ घंटे से। जी, कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासनिक लेवल पर जो काम हो रहा है, जी, और जो ब्लॉक लेवल पर जो काम हो रहा है, जी, कहीं पर इन्होंने मौके पर भी एसडीएम और बीएमओ को पहुँचना चाहिए था। जी जी, और जिस प्रकार की घटना है उस घटना के हिसाब से जितना जो पेशेंट थे सारे के सारे घायल भी, और जो कुछ उसमें दो या तीन तो ज्यादा सीरियस है उनको भोपाल रेफर किया है। जी जी जी, लेकिन जो मौके पर काम होना चाहिए था, जी, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो कार्रवाई होना चाहिए था उससे मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि ये प्रथम दृष्टया एसडीएम को भी वहाँ होना चाहिए था और बीएमओ को भी वहाँ होना चाहिए। बिल्कुल, क्या लगता है आपको क्यों इस तरह की जो है ढिलाई बरती जा रही है, आपको क्या लगता है? पहले भी नूरगंज में जो घटना हुई थी उल्टी दस्त वाली, उसमें भी मैंने ये देखा है, व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है। जी, तो उस समय भी जितनी स्पीड से काम होना चाहिए था, जी जी, उतनी स्पीड से नहीं हुआ। जी, और कुल मिलाकर प्रशासन का फेल्योर है, एसडीएम और बीएमओ महोदय को समय से आधे घंटे में 30 मिनट में पहुंचना चाहिए था। बिल्कुल, और अगर ऐसा कोई विषय रहा तो निश्चित रूप से हम, क्योंकि भोजपुर की आवाज है, मध्य प्रदेश में अगर इस तरह की कोई घटना होती है, बिल्कुल, तो सरकार को भी शक्ति से कुछ न कुछ नियम बनाना चाहिए। जी जी, और अगर ऐसा कोई दोषी पाया जाता तो उसमें सख्त सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, जब जैसा कि राजधानी के बिल्कुल नजदीक, अब राजधानी का मामला है ये फिलहाल पूरा, और वहाँ पर ही जो है हमारी मध्य प्रदेश सरकार बैठती है, तो ऐसे में इतने नजदीक होने के बावजूद भी इस तरह की ढिलाई बरती जा रही, तो आपको क्या लगता है इसमें कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से, जो राज्य सरकार है उनकी तरफ से भी कोई ढिलाई है? जो पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम के अंतर्गत जो काम होना चाहिए, जी, बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है। जी, आज विषय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, जी, लेकिन जी, समय से इनका उपचार होना था। जी, और समय से उपचार होकर जो सीरियस थे उनको भी टाइम से भोपाल हॉस्पिटल पहुंचाना था। जी, लेकिन मेरी लगातार 5-6 बार कलेक्टर महोदय से बात हुई। जी जी, और उन्होंने भी वहां से पूरी तरह से प्रयास किया, लेकिन मेरा ये कहना है कि ना तो बीएमओ ना एसडीएम, जी जी, डेढ़ घंटे तक मौके पर पहुंचे, और शायद मुझे लगता है अभी भी जो मेरे पास जानकारी है वो अभी मौके पर नहीं पहुंचे। जी, तो सर अभी क्या लगता है आपको आगे इसको लेकर, क्या आप जब आप वापस आएंगे मौके बात पर करेंगे? अभी तो इस घटना हुई है, इस घटना को पूरा निपटेंगे, उसके बाद देखेंगे। जी जी, जहां वाहन चालक बेखौफ अंधगति से वाहन दौड़ा रहे हैं, वहीं गंभीर रूप से घायलों को भी समय पर इलाज मिलना मुश्किल हो रहा है। बहरहाल देखना होगा कि हादसे के बाद कुंभकर्णी नींद में सो रहे प्रशासन पर कितना असर पड़ता है। इस घटना पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े देवेंद्र सिंह से हमने बात की और उनसे जाना। जी देवेंद्र जी, बताइए क्या कुछ ये घटनाक्रम है, इसको लेकर इस वक्त क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है? जी कपिल, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि नेशनल हाईवे 12 पर ओबेदुल्लागंज के पास एक जो मिनी बस है, जो ओबेदुल्लागंज भोपाल चलती है, ये एक सामने से आ रही एक बोलेरो से भिड़ गई थी। जी, और इसके बाद ये मिनी बस पलट गई थी। इसमें करीब बताया जा रहा है लगभग 35 यात्री सवार थे, जिनमें से 27 यात्री गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको भोपाल के हमीदिया अस्पताल में रेफर किया गया है। जी, और वहीं लगभग 8-10 यात्री हैं जिनका उपचार ओबेदुल्लागंज अस्पताल में किया गया है। जी, और वहीं स्थिति अब ठीक है, बाकी 4 लोग इसमें बताए जा रहे हैं जो गंभीर हैं, जिनको भोपाल रेफर किया गया है। वहीं मैं आपको बता दूं, एक बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की भी सामने आई है। जी, कि जब इनको ओबेदुल्लागंज अस्पताल लाया गया था तब यहाँ पर एक ही डॉक्टर थे, उसके बाद भी यहाँ पर कई मरीजों को जमीन पर लेटना पड़ा, और दूसरी बात इनको इलाज जो है कि लेट इनको मिल पाया है। जी, जिसके बाद इनको रेफर किया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर क्षेत्रीय विधायक, भोजपुर के विधायक सुरेंद्र पटवा ने भी संज्ञान लिया, तत्काल एसडीएम और कलेक्टर को फोन किया है, और तत्काल डॉक्टर को हॉस्पिटल पहुंचने की बात कही है इसमें। जी जी जी, देवेंद्र जी, हमारी कहीं उनसे भी बात हुई थी, विधायक जी जिनका आपने बता रहे, उनसे हमारी चर्चा हुई, उन्होंने भी कहा कि कहीं ना कहीं जो है थोड़ी लापरवाही बरती जा रही है। तो आपको क्या लगता है क्या वजह रही है इसकी, इतना बड़ा जब यहाँ पर घटनाक्रम हुआ है तो ऐसे में तो बहुत मुस्तैदी दिखानी चाहिए प्रशासन को?
जी बिल्कुल कपिल जी, कहीं ना कहीं एक स्वास्थ्य विभाग का जो कछुआ चाल है वो कहीं ना कहीं जो हाईवे से निकलने वाले जो यात्री हैं इनकी जान पर भी बन सकती है। हालांकि जब इतना बड़ा मामला हुआ था तो तत्काल स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट होना चाहिए था जी। हालांकि आधे घंटे के बाद यहां पर डॉक्टर विनय प्रभा पहुंचती है, उनके साथ ही डॉक्टर सलभ तिवारी पहुंचते हैं, उसके बाद और अन्य डॉक्टर पहुंचते हैं। लेकिन तत्काल में जो बीएमओ की जो जिम्मेदारी है ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर है तो उनको सबसे पहले यहां पर पहुंचना चाहिए था, पूरा मोर्चा संभालना चाहिए था। हालांकि प्रशासन के लोग भी तहसीलदार मौके पर पहुंच गए थे। सर्वप्रथम मैं कहूंगा कि सबसे पहले पुलिस मौके पर पहुंची है, पुलिस ने बस में फंसे जो यात्री थे उनको निकाला और तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया है। उसके बाद प्रशासनिक अमला धीरे धीरे करके बढ़ता गया, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता जो थी कि उन्हें तत्काल उपचार मिलना चाहिए था। हो सकता कितने लोग वहां पर रिफर नहीं होते, लेकिन आप खुद सोचिए एक बस में 35 लोग के आसपास सवार हैं और उनमें से 27 लोगों को रिफर किया जा रहा है, 4 लोगों को लोग अपने पर्सनल वाहन से लेके गए हैं और बाकी 8 लोगों का उपचार यहाँ पर जारी है। कहीं ना कहीं एक लापरवाही तो सामने आती है कपिल जी। बिल्कुल, जैसा कि हमेशा दावे किए जाते हैं कि हर तरह की व्यवस्था की गई है, हाईवे जो होते हैं नेशनल हाईवे होते हैं अमूमन वहां पर एम्बुलेंस की तत्काल व्यवस्था रखने की भी दावे हमेशा किए जाते हैं, लेकिन जब इस तरह की व्यवस्थाएं सामने आती तो क्या लगता है लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है सीधा सीधा? जी बिल्कुल कपिल जी, कहीं ना कहीं लोगों की जान के साथ तो खिलवाड़ है ही, क्योंकि एम्बुलेंस भी समय पर नहीं पहुंच पाती है। वहीं इस पूरे मामले में भी 3 एम्बुलेंस लगातार वर्क कर रही थी, जब 3 एम्बुलेंस हालांकि वो भी लेट पहुंची थी, लेकिन वो 3 एम्बुलेंस से लोगों को भोपाल रेफर किया गया। भाई कुछ लोग अपने खुद के निजी वाहनों से भोपाल उपचार के लिए गए हैं, अलग अलग अस्पतालों में भोपाल में भी इनका जो घायल यात्री हैं उनका इलाज चल रहा है। लेकिन एक लापरवाही तो है, अब इस पे सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए कि जब आपके नेशनल हाईवे ओबेदुल्लागंज में नेशनल हाईवे 12 और नेशनल हाईवे 69 लगा हुआ है, रेलवे लाइन निकली जहां पे अक्सर हादसे होते हैं, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं पूरे तरीके से मुस्तैद नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है जिसके कारण लोगों को भोपाल रेफर करना पड़ता। कई बार तो स्थिति ये होती है के रास्ते में मरीज को भोपाल ले जाते रास्ते में मरीज खत्म हो जाता है। बिल्कुल, यहाँ पे ट्रामा सेंटर की मांग जो है कि बड़े सालों से चली आ रही है, ट्रामा सेंटर जहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि हादसों से निजात पाने के लिए एक ट्रामा सेंटर खुलेगा और डॉक्टरों की संख्या बढ़नी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टरों की संख्या भी नहीं है जिसके कारण भी उपचार में देरी होती है। कपिल जी, देवेंद्र जी क्या लगता है आपको इस तरह की, जैसे अभी फिलहाल अभी थोड़े कुछ ही समय पहले जो दूषित पानी को लेकर जो मौतें हुई थी वहां भी कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही सामने आई थी, आज इस तरह की लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यहाँ सामने आ रही है, क्या लगता है वही राजधानी का ये जो क्षेत्र है वहां पर इस तरह का अगर होता है तो राज्य की क्या स्थिति बनेगी? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से हमने नूरगंज की खबरें भी हमने लगातार चलाई हैं और सभी ने देखा है कि नूरगंज में जिस तरीके का उल्टी 10 से 3 लोगों की मौत हुई थी और 100 लोग प्रभावित हुए हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि नूरगंज की स्थितियां सामान्य हो गई हैं, नूरगंज की स्थितियां अभी अभी हैं, उसमें सामान्य स्थिति नहीं है, लोग अभी भी उल्टी दस्त के शिकार हैं। तो सरकारी अस्पताल में भी कुछ लोग आ रहे हैं जो शासकीय अस्पताल में नहीं आ सकते हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना उपचार करा रहे हैं। वहां की स्थिति जो है कि हम सामान्य नहीं कह सकते, वहां भी स्थिति गंभीर बनी हुई है, वहां भी प्रशासन को सतर्कता बरतने की जरूरत है। जी जी देवेंद्र जी, फिलहाल देखते हैं कि देखने वाली बात होगी किस तरह की व्यवस्थाओं में सुधार होता है, चाहे वो नूरगंज की बात की जाए चाहे फिर आज जो दुर्घटना उसको लेकर किस तरह की आगे कार्रवाई की जाती है, किस तरह की व्यवस्थाएं की जाती है। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।